25 मई को गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में चुनाव है। चुनाव को लेकर आज अंतिम प्रचार प्रसार करने का दिन है। ऐसे में सभी प्रत्याशी कमर कसे हुए हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। तोपचांची प्रखंड में जयराम महतो के समर्थक ने सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली निकाली। बाइक रैली रामाकुंडा से तोपचांची प्रखंड के विभिन्न पंचायत का दौरा किया। इस दौरान JBKSS के केंद्रीय उपाध्यक्ष दीपक रजक ने कहा कि जयराम कुमार महतो को अपार जन समर्थन मिल रहा है। इस बार गिरिडीह के जनता परिवर्तन के मिजाज में है। जन समर्थन कैसा मिल रहा है आप लोगों को? हम लोग को बहुत अच्छा मिल रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि जन संपर्क इतना ही अच्छा है कि हम लोग सब बिना खाए पिए बिना तेल के सब अपना तेल भर के एक साथ आए हुए हैं। और ये देखिए भीड़ देख सकते हैं आप, पीछे देख सकते हैं कि कितना भीड़ है। वो भी सब कोई अपने पैसे से अपने नाश्ता वास्ता करके तेल डाल के आए हुए हैं। आज 5 बजे तक आप लोग का रैली समाप्त हो जाएगी, क्या कुछ कहेगा इस पर लेकर? जी आज हमारे रामाकुंडा पंचायत के साथियों द्वारा जैसे रूट तैयार किया गया था कि हम लोग रामाकुंडा होते हुए प्रधान कार्यालय से लेके हमारा मदेडी पंचायत से होते हुए नेरो से श्रीरामपुर से अंततः हम लोग सिंहदाह और ढांगी को कवर करते हुए 4 बजे के पहले ही हम लोग पूरी कोशिश है कि 4 बजे के पहले हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। क्या कुछ कहिएगा जीत को लेकर? जी बिल्कुल, हमारे आदरणीय टाइगर जयराम महतो को लेकर जीत के लिए हम लोग पूरी एकदम सुनिश्चित किए हुए। आप देख सकते हैं, हम जनमानस की भावनाओं को देख सकते हैं कि किस प्रकार अपने मेहनत से अपने खर्च से बाइक रैली हो या फिर घर घर महिलाओं द्वारा चावल का ये करना हो या फिर कुछ राशि एकत्रित करना हो, सभी कोई अपने मन से अपने हृदय से सभी कोई कर रहे हैं।